I'm the first person. Thank you. How are you? Sir,
जंप नहीं तुम लोग पूछोगे सबसे अच्छा कौन सा लगा देख तो लूं मुझे पता था इसलिए मैं देख कर आया हूं बराबर से जी जी मैंने भी देखा ठीक से मुझे सबसे अच्छा जॉन अब्राहम का लगा वही इज फ्लाइंग बॉडी शॉट बॉडी जॉन का बॉडी अच्छा है ही मगर द वे द पिक्चर इज क्लिक्ड इट्स अमेजिंग ही इज जस्ट फ्लाइंग इन द एयर आई लाइक शाउट आई लुक एट द इंटेंसिटी इन हिज आईज या आई लव दिस पिक्चर दिस का इंतजार के कैलेंडर के लॉन्च का इंतजार सब सभी से होता है आप लोगों को एंड क्या कुछ कहना मैं हमेशा डब्बू को मिलने का इंतजार करता हूं वाइब इतना अच्छा है उसे मिलकर इतना अच्छा लगता है एंड आई लव द वे ही इज सो एंथो अबाउट डूइंग दिस एवरी ईयर And just look at the work, yeah, he's amazing. मैं बोलना चाहूँगी डब्ल्यू आई सी भाई वंडरफुल शो बहुत अच्छे इंसान है इसलिए साल में उनसे मिलना हो ना हो लेकिन ये मौका हम नहीं छोड़ते एंड वी वांट टू मेक हिम फील स्पेशल वी लुक एट द वर्क वी वुड लव टू गेट एंड 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 डब्ल्यू आजकल फिटनेस में भी इंस्पायर कर रहा है मुझे he's do please recognize him he's Dabur Adnani used to be 200 kilos earlier now he's 70 80 something aapke bare mein sare celebrity kehte hain ki aap kab photo click kar lete hain unhe nahi pata lekin naya comment milta hai aapne weight bhi kam kiya ji haan par abhi 2-3 saal se maine realize kiya ki मैं जितना फिट रहूँगा उतने बेटर लोकेशन पे चढ़ सकूँगा तो आई थिंक जस्ट अबाउट हेल्थ इट्स अबाउट फीलिंग गुड आई एम एंजॉयिंग इट एंजॉयिंग द जिम एंजॉयिंग फिटनेस ही इज गोइंग टू बी वन ऑफ द मॉडल्स नेक्स्ट ईयर नो ही इज जजिंग द शोस फॉर द मॉडल्स सो ही हैज टू बी फिट ओके सुनीता आपको क्या ध्यान में आता है व्हेन यू सी शाहरुख होल्डिंग अ कप एज ही इनवाइटिंग अ कॉफी ओ माय या ही आई होप ही इनवाइट्स मी फॉर अ कॉफी इज इट ओके इफ आई गो फॉर अ कॉफी शाहरुख विद दिस With Mr. Khan, Shahrukh Khan, of course. जाओ मेरा हाई बोल देना जी इट जस्ट रिमाइंड्स मी ऑफ अ फ्री फ्लोइंग एटीट्यूड द वे द पोजेस एंड द वे इट्स क्लिक्ड इसलिए मुझे अच्छा लगा प्रोफेशन फ्लॉन्ट आई एम जस्ट स्टार्टिंग अ न्यू शो नाउ नवरंगी रेट स्टार्टिंग ऑन 2nd ऑफ फेब
So looking forward with, for that. हाँ जी? Yes. जी 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 जी. Yes, I've seen the promo. Yeah, yeah, yeah. On the. So because Bill Gates Foundation is involved, BBC London is involved, Swastik is involved, Viacom. So the setup is very good. I think so. He's come to promote the cause. ये शो एक फन शो है बट विद अ कॉज दैट्स व्हाई आई थिंक ही इज कम देयर टू सपोर्ट अस थैंक यू थैंक यू थैंक यू हां ब्रो सबका बहुत अच्छा रिस्पांस मिल रहा है और आई थिंक मणिकर्णिका एक फिल्म ही ऐसी है जहाँ पे सबको देखना ही चाहिए और सबको अच्छी लगनी चाहिए सो आई थिंक ये अच्छी बात है कि लोग जा रहे हैं और इस फिल्म को अप्रिशिएट कर रहे हैं जी आई थिंक डब्बू का काम ऐसा ही है जो सभी सारी चीज़ें अच्छी होगी सो आई एम श्योर ये सारे बहुत अच्छे बट इफ़ आई हैव टू गो चूज़ वन I think I like the Akshay Kumar one. I really like it. आपने एक पूछा था अभी उन पूरे पिक्चर्स में मुझे एक अच्छा लगा अच्छा ऐसा है क्या आई थिंक आई लाइक ऐश्वर्या वन आई थिंक मैं हमेशा से देखती आई हूँ ट्विटर पे इंस्टाग्राम पे कि सब लोग आते थे एंड दिस इज़ माई फर्स्ट टाइम दैट आई एम कमिंग हियर सो आई रियली फील गुड आई रियली फील प्राउड टू बी हियर दैट्स इट अब आप दुआ कीजिए ऐसा कुछ हो जाए मेरे लिए बिल्कुल आई विश कि ऐसा ही हो अब देखते हैं कब होता है थैंक यू
जी सी आई डोंट नो अबाउट दिस थिंग बेसिकली आई कांट से एनी थिंग क्योंकि मेरे सीन्स कंगना ने ही बढ़ाए थे और मैंने कुछ रीशूट नहीं किया है. मेरे जितना भी काम हुआ है कंगना ने बढ़ा कर मेरे लिए किया था. सो आई हैव नो कॉमेंट ऑन इट एंड आई थिंक कंगना हैज़ डन जस्टिस टू मी. थैंक यू. बाय मनीष. मैं चली जाऊँगी. वेरी गुड वेरी गुड. नमस्ते कैसे हो. यार फीमेल पिक्चर में अगर कहें मुझे ऐश्वर्या मैम की पिक्चर बहुत अमेजिंग लगी. बहुत क्लासी. अगर मेल में बात करें अक्षय कुमार एंड जॉन इब्राहिम. जॉन इब्राहिम की बॉडी तो है जी. मुझे वो कॉन्सेप्ट बड़ा अच्छा लगा. जंप मार रहे हैं बिल्डिंग से माइंड में बहुत अच्छे लगे. यार डब्बू का कैलेंडर नंबर वन बड़ा स्पेशल है. इस बार 20 इयर्स कंप्लीट हो रहे हैं. आई थिंक इट्स नॉट अ जोक. इट्स अमेजिंग. और सब लोग वेट करते हैं देखते हैं. एक सस्पेंस बना होता है कि डब्बू के कैलेंडर में कौन फीचर करने वाला है. सो हर बार की तरह इस बार भी सस्पेंस था. सो इट्स नाइस टू सी सो मेनी ऑफ द कलीग्स ऑन द कैलेंडर एंड बहुत बहुत अच्छा बनाया. यार अभी तो मेरे इंडियन आइडल ख़त्म किया है और मैं चिल मार रहा हूँ. कुछ मेरी शॉर्ट फिल्म्स हैं जिन पे काम चल रहा है और जल्द एक और शो के साथ भी वापस होगी. सो लेट्स होप फॉर द बेस्ट. हाँ यार वो फेब में लॉन्च है. फेब में रिलीज़ कर रहे हैं हम लोग. सो वो फिल्म का नाम है बंजर. इट्स अ शॉर्ट फिल्म एंड तो उसी में सरदार का रोल था तो उसके लिए दाढ़ी वाड़ी हुआ के प्रॉपर ऑथेंटिक. सो देखते हैं लोगों को पसंद आए. थैंक यू सो मच. थैंक्स. एक्चुअली मैंने देखा ही नहीं अभी तक. आई वॉज जस्ट गोइंग टू सी. देख क्या हो गया.
यार सारे शॉट्स बहुत अलग अलग है और काफ़ी यूनिक है. मेल्स में से देखो आई एम बिग फैन ऑफ ऋतिक रोशन का, बड़ा फैन हूँ मैं. आई लव हिज क्लोजअप्स, ग्रेट शॉट. फीमेल्स में श्रद्धा और कृति, क्योंकि मेरे हीरोइंस थे इसलिए आई एम सेइंग दैट, लिटिल बायस्ड. नो नो, यू कैरी ऑन चिल. आई थिंक बहुत ही मज़ेदार रहता है ये दिन, खासकर क्योंकि यू सी सो मेनी कूल शॉट्स. आपके सारे फेवरेट सेलेब्स होते हैं इस कैलेंडर पे, सो इट्स वेरी इंटरेस्टिंग व्हाट दे डू. तो या शायद इस साल का थीम ये है कि थोड़ा मतलब सेक्स अपील को लेकर ज़्यादा फोकस कर रहे डबू सर, तो आई थिंक मे बी दैट्स व्हाई. टफ किस में कंपटीशन तो है ही इंडस्ट्री में काफ़ी सारा. आई थिंक एवरीबडी इज़ सो फिट एंड सो गुड लुकिंग, तो बहुत मेहनत करना पड़ता है यू नो टू स्टैंड आउट इन जनरल. स्टूडेंट ऑफ द ईयर 2 कंप्लीट हो चुकी है सर, अभी फिलहाल मैं ऋतिक वर्सेस टाइगर के लिए शूट कर रहा हूँ. सो या वो या नहीं, बस एक सपना पूरा हो गया है. और जब भी मैं मॉनिटर को देखता हूँ, जैसे प्लेबैक्स जैसे हम देखते हैं मॉनिटर पे, ऐसा लगता है कि मैं ड्रीम कर रहा हूँ, क्योंकि यू नो इट्स बिन चाइल्डहुड फैंटेसी वर्किंग विथ हिम. और जब भी एक हाई स्पीड शॉट हो या कोई एक्शन कर रहे साथ में, तो बहुत बहुत शुक्रगुजार हूँ कि मुझे एक मौका मिला उनके साथ काम करने को इतनी जल्दी. डेफिनेटली देर इज़ अ प्रेशर बिकॉज बागी 2 आई डिडंट एक्सपेक्ट इट टू यू नो डू द नंबर्स इट डिड, तो उसको लेकर काफ़ी एक एक्सपेक्टेशन अभी बढ़ चुका है बागी फ्रेंचाइज को लेकर खासकर. एंड नॉट ओनली दैट, आई एम ऑल्सो डूइंग स्टूडेंट ऑफ द ईयर 2 विच इज़ a very big franchise. Dharma is, you know, baby. So, I'm stepping into 3 very big stars' shoes along with my co-stars, the new beautiful girls. So, you know, we have a lot of pressure on us. It's a big film and we want the franchise to live on. So, fingers crossed. Haan ji? Kis mein, kis mein? What have you learned from Ritik? For Ritik? Oh, okay. What have I learned? काफ़ी काफ़ी चीज़ें सर. इफ आई वुड से वन थिंग, इट वुड जस्ट बी हाउ टू यू नो लुक एट एवरी डिटेल. कभी ऋतिक सर बहुत सारे बहुत कुछ सोचते हैं हर शॉट को लेकर, हर चीज़ को लेकर बहुत सोचते हैं. तो जस्ट अंडरस्टैंडिंग हिज माइंड सेट एंड हिज थॉट प्रोसेसिंग इन अ सीन और इन अ एक्शन सीक्वेंस. You know, I don't want to reveal any details. That might be a fun fact for you guys too. I don't know. If I say yes, then, you know, I don't want to reveal anything. But if I say no, I don't want to spoil anybody's expectations. Thank you very much. Thank you.
हेलो अमेजिंग बहुत स्पेशल है डब्बू रत्नान के कैलेंडर पर होना इट्स एन अचीवमेंट इन इट सेल्फ एंड दिस इज माई डेब्यू ईयर या इट्स रियली लव इट्स माई डेब्यू ईयर सो आई थिंक इट्स ऑल द मोर स्पेशल बिकॉज द फर्स्ट टाइम आई एम ऑन द कैलेंडर एंड यू नो विद डब्बू ही इज डन माई फर्स्ट फोटोशूट एवर माई फर्स्ट पोर्टफोलियो माई फर्स्ट film poster shoot so all my first time with Double it's been amazing wait yeah it's too much noise Thank you.
Thank you.
It's a tie between Farhan and Tiger for me. Yeah, I think I like, actually I like all the pictures to be honest, but it's a tie between Farhan and Tiger. Okay, I again like all of them, but I like all of them, but I think Shraddha's is very different. So I love that. Yeah. हमेशा अच्छा ही रहता है मैं आप सब बोर हो गए होंगे क्योंकि हर साल मैं कहती हूँ कि मज़ा आया पर सच में डब्बू के साथ मज़ा आया और वी आर डूइंग इट फास्टर एंड फास्टर एंड फास्टर ईच टाइम आई थिंक इट्स जस्ट द इजीएस्ट शूट ऑफ द ईयर ऑलवेज कुछ नया मैंने ट्राई किया थोड़ा सा एक सिवियर लुक देने का और टाइम तो लगा आई थिंक 2-2.5 घंटे लगे शायद हाँ 2-2.5 घंटे लगे सो यू नो मोर पावर टू माई हेयर स्टाइलिस्ट शलाका भोसले आई जस्ट थिंक इट्स आई रियली डोंट थिंक इट्स लाइक द डर्टी पिक्चर आई थिंक इट्स अ बिट सिवियर नॉट सिवियर आई थिंक इट्स अ बिट शार्प समथिंग आई हैवन डन बिफोर सो आई एम एक्साइटेड अबाउट इट So let's hope 2019 is a really sharp year for all of us. In the, there's a Mission Mangal releasing on the 15th of August and some other announcements which I will make very soon. I'm also making my Tamil film debut. Yeah, but it's a special appearance in Boni Kapoor's Tamil film starring Ajit. Yeah, thank you. जी डब्बू हमेशा बहुत बहुत एक्साइटेड रहती हूँ हर साल मैं यहाँ होती नहीं हूँ सॉरी व्हाट वाज आई सेइंग मैं भूल गई हाँ हमेशा इंतज़ार रहता है पर हर बार मैं बॉम्बे में नहीं रहती आई एम ग्लैड आई एम हियर दिस ईयर मैं बस ये दिखा दूंगी Thank you.
प्रश्न पूछेंगे आप. थैंक यू, यू जस्ट मेड माय डे. थैंक यू. It is Ken Ferns, one of my favorite designers. He's a lot of fun. I like tigers and varuns, I think. Yeah, tiger and varun. More fun. Female. I think Kale is pretty. पूरे साल टेबल पर एक ही कैलेंडर होता है, दैट इज दबूज कैलेंडर. सो इट इज वेरी एक्साइटिंग एंड आई लुक फॉरवर्ड टू दिस एवरी ईयर इन जनवरी की पूरे साल व्हाट ऑल फेसेस आई विल बी सीइंग. आप दबू से पूछिए, आपको दबू से पूछना चाहिए. ही इज द मैन. I don't think I can give Vidya competition in any space. She's way too good and way too senior for everything. But and I had missed this because it's in the corner, but I think she's looking really, really hot, right? You will know soon once I know. नहीं नहीं हॉरर नहीं होगा, रोमांटिक हो सकता है. थैंक यू, थैंक यू सो मच.
या है उनको पूछना पड़ेगा। हाँ हमेशा की तरह इट्स ऑलवेज बीन फन। सबसे मुझे सोनाक्षी की पिक्चर, आई लाइक सोनाक्षी पिक्चर एंड इन द मेल पिक्चर्स एक्चुअली लाइक अक्षय से। हाँ मैं मेरी एक हमेशा एक फैंटेसी थी कि मैं फिल्मों में आई डांस अराउंड ट्रीज, ऐसा कभी हुआ नहीं तो फोटोशूट में सोचा कि कुछ कर ही लेता हूँ पेड़ के साथ, फिल्मों में वो ऐसा करना पड़ता है। आई सी, हाउ स्वीट, थैंक यू विद्या, थैंक यू। हाउ वुड आई नो यार, यू हैव टू आस्क हर, ये क्या बात हुई, हाउ वुड आई नो, ये तो आपको विद्या में पूछना पड़ेगा। नहीं नहीं भाई ऐसा नहीं होता। चलिए और कुछ सवाल नहीं सोच रहे हैं आप, बहुत अभी चले। थैंक यू, थैंक यू। Thank you.
राधे राधे. Do you think it's a? It's a very good start, and I'm really happy and excited to be a part of Dabbu Ratnani's calendar. This is my debut shot, and whenever you come to Mumbai, whenever you enter Bollywood, Hindi cinema, you always feel like there's a list, and you know, Dabbu Ratnani's calendar shot is one of the major things in that list, and it's a checklist for me, and I'm really happy that I'm a part of it, and it's a very good start for me. The list is amazing. Ji. Sir, I feel really proud. I'm really happy, and I mean, it's this calendar comprises of all the wonderful people from our fraternity, and the biggest of names are there in the calendar. And I'm so blessed that I'm a part of it. Finally, it's taken long, but finally I have debuted in his calendar, and I'm so happy with the shot that he's taken. It's amazing. How you reacted when Dabbu asked you to be a part of his calendar? How you reacted? You got emotional. You got asked to be a part of Dabbu Ratnani's calendar. Yeah, I got really happy. I mean, it was a great a great opportunity for an actor to be a part of something like this. Dabbu Ratnani's calendar is something which also brings the whole industry also closer. You know, I mean, so many actors, so many performers in one calendar is a big thing, and it's one of its kind. So being a part of it was again excitement, was like an exciting thing for me, and I got really excited when he asked for the shot. Huh? Photo. इसमें से फेवरेट पिक्चर मेरी अक्षय कुमार सर की है. फीमेल में आई थिंक जानवी की फोटो. थैंक यू सो मच. व्यूअरशिप फिनोमिनल व्यूअरशिप हुई है लुका छुपी के ट्रेलर की, और बहुत सारे रिकॉर्ड्स ब्रेक कर रहा है उसका ट्रेलर. आई होप फिल्म जब आए तो वो भी बहुत सारे रिकॉर्ड्स ब्रेक करे ऐसे जैसे ट्रेलर ने ब्रेक किया है. एंड थैंकफुली आपका भी रिस्पॉन्स जब हम लोग ने ट्रेलर लॉन्च किया था, मीडिया का, ऑडियंस का, सबका बहुत बड़ा रिएक्शन आया था. इट्स अ फन फिल्म, कॉमेडी फिल्म है, ट्रेलर अच्छा रिस्पॉन्स दिया है, आई एम श्योर फिल्म भी अच्छी लगेगी. कल गाना लॉन्च हो रहा है, पोस्टर छपवा दो बाजार में, अक्षय सर का गाना है एंड उसको इस फिल्म में लिया गया है. तो बहुत बड़ा फैन रहा हूँ मैं अक्षय सर का, और कल उनके गाना लॉन्च हो रहा है. आज रैपर पार्टी भी है, इसके बाद मैं लुका छुपी करके वहाँ पे रैपर पार्टी में जाऊँगा, एंड आई बी विद डीनो एंड कृति एंड द होल टीम ऑफ लुका छुपी. थैंक यू सो मच. थैंक यू. Jacket wala. Hila.
आउट ऑफ फोकस हो तुम लोग. हमारी सबकी फोटो आ रही है.
Okay, my favorite is actually Sunny Leone. That was the first one I saw as I entered. I was like, wow. I like Kiara, and I like Shah Rukh and Kartik. Very nice. I just saw Aishwarya's as well. I think it's really gorgeous. Wow. Okay, I have to check out the guys. Wait. नहीं कुछ ऐसी बेसब्री से इंतजार नहीं होता पर डब्बू और मनीषा मेरे दोस्त हैं और ये एक ट्रेडिशन है जो हमेशा होता है हर साल ये साल ज़्यादा स्पेशल है क्योंकि 20th एनिवर्सरी है इट्स रियली नाइस टू बी हियर एंड ऑलवेज सपोर्ट देम दे हैव ऑलवेज बीन देयर फॉर अस सो आई एम जस्ट हैप्पी फॉर देम सॉरी मैं एक्साइटेड हूँ आई एम ऑलवेज एक्साइटेड टू सी द लवली पिक्चर्स द डब्बू क्लिक्स and to see what's going to be, you know, this year, you know, in the calendar. Of the guys, I have to say, I really like John. I think it's very cool. Haan, achha laga mujhe. Thank you, thank you, thank you. Princess, you like candy floss. Okay, so my favorite photo female is Sonakshi क्योंकि उसने जो इतना cool चश्मा पहना है ना, she looks awesome और मैं खुद एक चश्मों का दीवाना हूँ. Favorite female? Yeah. Sonakshi because she's a friend and I love her as a human being, so basically she's my favorite. And लड़कों में बच्चन साहब because उनके जैसा handsome. You copied me. Maybe he's an amazing human being and he's a fantastic. वो ऑल राउंडर स्टाइलिश आदमी है अभिनेता है एंड ही इज माय फेवरेट. ये 10वां साल है. हाँ हमारा हमारे बच्चे 10 साल के हो गए. सीरियसली बट आई मस्ट टेल यू वन थिंग दैट डब्बू को हम बहुत पहले से जानते हैं. मेरा पहला फोटोशूट डब्बू ने किया था. ओह गॉड दैट वाज क्रेजी. आई थिंक ऑलमोस्ट 18 साल पहले हम बच्चे थे तब. अगर ये बच्चे थे तो हम बच्चों के बच्चे थे. सो डब्बू थी. आई नो. सो इट्स बीन अ ग्रेट एक्सपीरियंस विद डब्बू. सीरियसली या विश हिम ऑल द बेस्ट. लॉट्स ऑफ लव. We are not ready. We are ready. Chal raha hai. Inside the house. Yes, male and female. बहुत सारे यार बता सकता हूँ यार. I like Shah Rukh. I like Kartik, Akshay, Varun. Of course, Alia is there. Tiger Shroff is there. So I like all. Ma'am. Male, female, best picture. शाहरुख खान. चीजें शाहरुख पे. वहाँ देखे. अच्छा यहाँ देखे. ओके हाय. ये पूछता इधर है देखे उधर कैसे है. हाँ क्या चीज. बहुत अच्छा लगा. एवरी ईयर इट्स अ डिफरेंट कॉन्सेप्ट तो इट्स नाइस. मज़ा आता है. अच्छा लगता है. बहुत सारे आ रहे हैं. अभी सबसे बेस्ट है कलम. वेब सीरीज चालू हो रही है. मेरा ख्याल है भाई मार्च इट विल रिलीज कर ले तू भी मोहब्बत सीजन 3. एक ऑन एयर है लाइव है इन्वेस्टिगेशन रॉस नाउ पे. सो दैट्स गोइंग ऑन. थैंक यू थैंक यू थैंक यू. सो दिस इज लाइक वी हैव टू मूव अहेड. इज देयर अ क्यू फॉर दैट. थोड़ा सा साइड में चलो. वी विल गिव देम अ चांस टू टॉक. दैट्स द रिचुअल. Hi. How are you, Priya? How are you? Last friend.
बाबो You lost so much weight? Yeah, awesome. Every year I see him. Sabu zara gale bhi le. Nothing like it.
बच्चों के पूल में हूँ अभी, क्योंकि लेवल वाटर का कम होता है तो मैं बैठ पा रही थी वहाँ पर, तो मैं एक्चुअली किड्स पूल में हूँ यहाँ पर. एंड पोस्ट के बारे में क्या बताऊँ, मैं चिल कर रही हूँ. See, of course, you know, trailer, I think, आपकी फिल्म की एक झलक होती है, तो अगर लुका छुपी की झलक लोगों को पसंद आई है, and actually the response has been fabulous. It's touched almost 50 million views overall, and that's, I think, massive. It's more than what I had expected, and it's faster than what I had expected. So, yeah, people are loving it, and I'm really glad, because that's exactly what the film is. And I'm really hoping they love the film also as much. Yes. Yeah. We wrapped up a few days back, but that time we could not do a party, and it's almost like a celebration for the entire crew. सबने बहुत मेहनत करी है, और अब जब ट्रेलर भी बाहर आ चुका है, everybody is like really happy with the response. It's something that we just want to celebrate together. ये बस celebration है, rap party नहीं करी है, तो ये late rap party है. But yeah, it's just all of us together to have fun, that's all. I'm both, yeah. I think you're always nervous, and I'm also excited, because you know, the audience is connecting with the concept. They're liking the whole concept. So yeah, I'm also very excited. I want to see how they actually react to the film. Like, this is a film जिसमें मैं गेटी जाके देखना चाहूँगी कि लोग कैसे रिएक्ट करते हैं. अभी वीडियो वैसे देख रही हूँ. इसके अलावा यू मीन ओके, अपार्ट फ्रॉम हर, आई लाइक कियारास पिक्चर अ लॉट. कियारास पिक्चर आई लाइक आलियास पिक्चर, आई लाइक कार्तिक्स पिक्चर. इट्स एक्चुअली वेरी नाइस. I even like Akshay sir's picture. I think it's really cool. Yeah. Trailer dekha, matlab maine aap sabse pehle trailer dekha. Bahut acha laga. Aap sabko kaisa laga? Shaadi dekhi aapne? Inki shaadi trailer launch pe aapne inki shaadi kar rahe ho. Oh, aap the wo. These questions will answer later. Haan, there's nothing that I want to, like, that I can talk about right now. Later, maybe. She is my mentor in general life also. It's not about this career. I think you always look up to your elder sister or elder brother always. So yeah, she's always generally been my mentor. Like, I take tips from her. She sometimes feels like I'm joking. Also, it's better now. You learn from your elder sister's mistakes. Mistakes? No, ऐसा नहीं, डरा के नहीं रखती है. But I learn from, like, there are certain mistakes that maybe she would have made, that she guides me. That's me. Thank you.
एक्सपीरियंस तो बहुत अच्छा रहा हमारा देखा आई थिंक दिस इज फर्स्ट ऑफ ऑल कंग्रेचुलेशंस टू डबू सर एंड मनीषा मैम दिस इज द 20th कैलेंडर दे हैव गॉट 20 इयर्स एंड इट्स क्रेजी स्टिल आप देख सकते हैं कितना फ्रेश है कितना नया है बट 20th एडिशन एंड इट्स नॉट सो इजी एंड इट्स अमेजिंग आफ्टर आई वर्क विद हिम लास्ट मंथ तो मुझे पता है कि वो कितना हार्ड वर्क डालते हैं एंड यू नो इट्स जस्ट वेरी गुड जॉब That's I think all the stars out there, who all are there in the pictures, they must have perhaps got millions of pictures clicked. But this is the USP of Dabu's, perhaps Dabu's work, and when he clicks a picture, he makes it look so fresh and so new that you feel that you've never seen a picture like this before. So I personally, I love Anushka's picture. I love the way that picture has been taken. And yeah, it's pretty exciting to be here. Mine, Anushka's. Yeah, favorite. Who's that? Who's that? Alia and Anushka. Yeah. And Ritik is looking hot. I think for males also, I would be saying that Ritik sir is looking very nice, amazing, as always. And yes, Karthik has done a great job with the like he's looking amazing and very fresh again. And Tiger's body is looking out of the world. So yes. What do we do? What? That's Karan over there. We're coming. Right, thank you so much. I like you. Fabulous. Yeah.
like Alia. Yeah. And I like Kartik Aaryan. बहुत मज़ा आता है, बहुत इनोवेटिव होता है उनका हमेशा कॉन्सेप्ट, अलग अलग होता है हमेशा. तो एवरीबडी स्टिल यू नो लुक्स फॉरवर्ड टू सीइंग द कैलेंडर शूट, कितना इनोवेटिवली करते हैं एवरी ईयर. बहुत कुछ देखेंगे आप. गुड वेब सीरीज आर कमिंग, गुड फिल्म्स आर कमिंग. सो लेट्स सी, आई मीन डिसाइड करना बाकी है कि विच वन टू टेक, बट इट्स ऑल गुड फॉर 2019. मैं जल्द बताऊंगा, जल्द आपको बता दूंगी. मैंने या आई थॉट नाइट है, तो सिल्वर एंड ब्लैक इज द कॉम्बिनेशन, तो आई एम जस्ट वेयरिंग सिल्वर एंड ब्लैक. थैंक यू. ये यू नो ये वो एनुअल इवेंट है जिससे ऐसे लगता है कि साल की शुरुआत हुई है. इस बार ये लोग थोड़ा लेट हुए और मुझे लगा साल शुरू हुआ कि नहीं हुआ, बट यू नो इट्स फाइन दैट इट्स फाइनली स्टार्टेड. एंड लाइक आई सेड, इट्स अ ग्रेट प्लेस टू मीट एवरीबडी. गुड फन. ओके, माय फेवरेट पिक्चर हियर इज मिस्टर शाहरुख खान द ब्लैक एंड वाइट विद द कप. आई हैव मैं थोड़ा बायस्ड हूँ ब्लैक एंड वाइट शॉट्स से, वो मुझे थोड़े कूलर लगते हैं, थोड़े आर्टिस्टिक लगते हैं. ब्लैक एंड वाइट शॉट्स आर ऑलवेज नाइस. फॉर द वुमेन, ooh, so tough. I like Alia's. It's a simple, pretty portrait picture, but it's really nice. अभी दो शोज कर रहा हूँ, उसमें से एक की शूटिंग खत्म हो गई, दूसरे का डबिंग चल रहा है. One is called Marry Me Stranger, and the other one is called Love, Lust and Confusion Season 2. दोनों बहुत जल्द आ जाएंगे. लव लस्ट एंड कन्फ्यूजन मार्च 1st को रिलीज हो रहा है ऑन व्यू, सो डाउनलोड द ऐप इफ यू डोंट हैव इट नाउ. सीजन 1 वाज अ ग्रेट हिट ऑन द ऐप एंड सीजन 2 इज बिगर, बेटर, नाइसर. नहीं, मेरे ब्यूटीफुल अटायर का कुछ नहीं है, मतलब कोई रिकॉर्ड भी कर रहा है क्या? अच्छा, आई नो. हाँ, ब्यूटीफुल अटायर के बारे में कुछ नहीं है. मैं ऐसे अलमारी खोलता हूँ और देखता हूँ, अरे ये बहुत दिन हो गए ये पहना नहीं, और वो पहन लेता हूँ. दैट्स वो
बहुत आई थिंक बहुत ज़्यादा हमने रिसेंटली मानवर के लिए शूट किया था तो डबू ने हमारा शूट किया था तो ही इज़ ऑसम लाइक उससे ऊपर मुझे लगता नहीं कि कोई और शूट करता है यहाँ पर एंड योर जर्नी इज इनकम्प्लीट इन मुंबई अगर आपने डबू से शूटिंग कराया एंड या आई स्टार्टेड बाय आई डिड माय फर्स्ट शूट इन मुंबई विद डबू एंड देन आई डिडंट लुक बैक आफ्टर दैट इट इज ऑलवेज ए Manisha and Dabu, they both are so sweetheart and you know it's amazing to be with them. You know, we had so much of fun with Manisha. They are super cute. Like they are so down to earth and जब उनसे पहली बार मिलो तो ऐसा लगता है कि हम बहुत बार मिल चुके हैं. ऐसा नहीं है कि first time मिल रहे हैं और कुछ ऐसा. हमारा तो सब कुछ last moment में ही होता है और actually मेरा shoot था मैं जाने वाला था तो मैंने बहुत बोल बोल के मैंने कल का पोस्टपोन कराया सिर्फ डब्बू के लिए कि हमने डब्बू के यहाँ आना था तो लास्ट मोमेंट में अपना कबोर्ड चेक कर रहा था कि मेरे पास क्या पड़ा है अच्छा मैं क्या डालूँ जो मैंने अभी तक डाला नहीं है सो दिस इज़ अ लुक जो मैंने खुद ही एक बनाया है ऑब्वियसली मेरी स्टाइलिश यही है और मेरे गानों के भी शूट यही करती है और बहुत बहुत बार हमेशा मैं 90% में ही करता हूँ कभी नहीं अच्छा कभी नहीं अच्छा लग रहा कुछ और ट्राई करूँ सो या हम करते हैं यस अभी हमारा 19 में गाना आया था अभी मेरे रोडी स्टार्ट हो रहा है मेरा नेक्स्ट मंथ से और उसके बाद मेरे 3-4 गाने रिलीजिंग पे हैं वो हो रहे हैं देन मैं पंजाबी मूवी कर रहा हूँ बहुत जल्दी वो मेरी उस पर स्टार्ट हो रही है सो मेरे काफ़ी प्रोजेक्ट्स हैं मेरी 3 फिल्में हैं एक अभी है 1 बायोपिक जो अभी जल्दी रिलीज होने वाली है या 1 बायोपिक एंड आफ्टर दैट आई हैव 2 मोर फिल्म्स 1 इज फिल्म ऑन कॉमेडी One with Mahesh Manjrekar, so I'm looking forward to this year. Very, very excited and yeah, very happy. अभी we are working like अभी हमने अभी हम थोड़ा काम कर रहे हैं थोड़ा और पैसा कमा रहे हैं ताकि हमारे आने वाली जनरेशन आराम से बैठे खाए चिल करे यस अभी वाला प्लान करेंगे अपनी लाइफ में अभी तो हम घूम रहे हैं यार अभी तो हमने अभी जर्नी बहुत ज़्यादा मस्ती करनी है Thank you so much.
I'm a Hrithik Roshan fan, so Hrithik Roshan. बहुत स्वीट आदमी हैं, बहुत अच्छे, ये इनकी वाइफ मनीषा हमारे बहुत अच्छे फैमिली फ्रेंड्स भी हैं, और कुछ लोग ऐसे होते हैं जो अपने काम के साथ साथ में अपने बिहेवियर की वजह से भी आगे बढ़ते हैं, तो ये वो लोग हैं जिनका जिनकी गुडविल, जिनका बिहेवियर, जिनकी सिंप्लिसिटी. मैं इनके साथ भी आई वाज डूइंग द फोटो शूट विद देम पूरा टाइम. मनीषा वॉज ऑन द क्या बोलते उसको, लाइव. हाँ, तो मेरा पूरा सेशन उसने लाइव कर दिया. सो इट बिकेम वेरी पॉपुलर. तो हमारी ट्यूनिंग बहुत अच्छी है. एंड आई ऑलवेज विश द बेस्ट फॉर द रत्नानीस. पर अभी भी वो बदले नहीं है. डब्बू वैसे ही हैं जैसे वो पहले उसमें थे. वेरी, उनका सेंस ऑफ ह्यूमर आता है, कभी कभी आता है वो ऐसे, बट इज ऑलवेज वेरी शाय, वेरी सॉफ्ट स्पोकन. एंड कामयाबी से उनका सर नहीं घुमा, बहुत अच्छी बात. छोटी साइकिल में मेरा अभी कल गाना आया था, अपना इश्क की गली में वो गाना आया था मेरा अभी, जिसमें शूट हुआ था. 21 फरवरी को मेरा गाना आ रहा है बेले बेले यार, जो कि कॉलेज के स्टूडेंट्स वगैरह के बारे में, उनकी लाइफ और कैसे उनके टीचर्स यूज़ करते हैं. वेरी यंग सॉन्ग. देन आई हैव अ टूर इन अमेरिका. मैं और नेहा कक्कड़ अमेरिका जा रहे हैं अप्रैल में. सो बहुत बिजी था. थैंक यू सो मच. Started way back in 1999, where I decided, okay, Y2K, new millennium, let's celebrate with dates. And I came out with a calendar which was with 12 stock pictures which I had shot, and it was only women that time.
And the way it was received and the response I got and the work that came in, and being the first calendar of the industry, I got a great response to it. And then from the following year, I actually started shooting a conceptual calendar, and 12 boys, 12 girls. And after that, there was no looking back, because, you know, the actors, the way they reacted, then slowly the media started supporting me, you know. In those days, a photographer was not even given so much importance. So today I'm happy that, you know, we all photographers are, at least photography is a great career option which has branched out in these 20 years that I've seen, you know. So I think it's been a great run for me. I've enjoyed what, I'm thankful for all the actors to do this for me, you know, being the only non-commercial thing I think that they do in the full year. So I'm happy. I'm really, really, you know, all the support we received today. Okay, the turning point, I would say the turning year for you. Which year you considered that the turning point in your career? You know, people started calling you. I think between turning part of my career, I would say was between 94-95, where I branched out on my own. And this year, I'm celebrating 25 years of being in the industry, which is going to be this full year. So hopefully the next calendar will be a bigger celebration. And you know, I think when I started my career as a photographer, the kind of work that I did was very different from the other film photographer work, because most of the work that I used to see those days were indoor, very, you know, set kind of pictures. I shot them outdoor, I shot them on the street, I shot them walking. Very much my style, you know. So I think there was a good change, and people noticed that change. So a lot of people started calling me, rather than me calling the actors through the magazines. Actors started fixing up shoots and say, okay, I want to shoot this shoot with Dabu. So I think over the years, people started enjoying my style of working. My what? Your fan movement with any star you remember. You know, somebody called you out, for example, Mr. Bachchan. Yeah, I think Mr. Bachchan and Aishwarya were two people who I can say I had a fan moment with, because as a assistant photographer, when Ash became Miss World, and everybody was talking of how beautiful she is. So when you shot Aishwarya Rai Bachchan, it was like you've arrived as a photographer, you know. So it was one moment, and then of course before that with shooting with Mr. Bachchan, where I was tremoring with double my heart rate for the first time, and me like 18-20 year old boy telling Bachchan saab, ye pehen lo, I'm choosing his clothes, ye pehen lo, you know. Never imagined that would happen at such a young age. So at that point, I think it was a huge fanboy moment. I can't decide, but one picture which people strikingly remember is a Hrithik picture where he was falling into a pool and he was holding a newspaper and he fell with the same expression. And before he hit the water, I clicked the picture. So I think that picture people still remember. Thank you. Yeah, man, we just thank you. Yes, we should. Yes. We should definitely continue. Panji. जी यार एक लौता ही कैलेंडर है जिस कैलेंडर का इंतजार होता है, एंड आई थिंक 20वां साल है, इट्स 20th, सो आई थिंक इट स्पीक फॉर इटसेल्फ. Kamal hai aapke peeche, you've seen the kind of work that he does, it's, or hamesha se it's been outstanding, and I've been a fan always, and yeah, so it's great. What is your favorite? Amit ji ka wo jo telephone booth wala, I really love that. I love that for some reason. I've really liked Sonakshi's picture. I really like Sonakshi's picture, but apart from that, Alia. Yeah. Outstanding. Beautiful. Hanji. Why wouldn't I, man? Why wouldn't anybody? I mean, you know, being clicked by him is such a good feeling. So yeah, well, definitely. What happening on professional front? Sorry? What happening on professional front? Oh, quite a few things, man. Quite a few things buzzing, quite a few things happening. 2019 is going to be rocking, and it's going to be as amazing as I think it will be. So yeah, I'm hoping for the best and crossing fingers.
touchable. Thank you very much, guys. Thank you. Thank you.